गुची एक नाम जिसको सुनते ही हमारे को एक्सपेंसिव और यूनिक प्रोडक्ट्स याद आ जाते हैं। ये कंपनी एक टाइम पे बैंक्रप्ट होने की कगार पे थी, पर आज मोस्ट डिमांडेड फैशन ब्रांड बन चुकी है। चाहे 1.5 लाख का बैग हो या 6 लाख की बेल्ट, इसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और स्पेशली बात अगर गुची की हो तो। पर ऐसा क्या खास है इसमें कि इसके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होने के बाद भी इसने वर्ल्ड मार्केट में धूम मचा रखी है। आज गुची इस पोजीशन पर है मार्केट में कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं। गुची का डबल जी वाला लोगो इसके प्रोडक्ट्स को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। अगर इसके टारगेट सेगमेंट की बात करी जाए तो इसका टारगेट सेगमेंट आम लोग नहीं है, बल्कि मिलेनियल्स हैं जो लोग फैशन ट्राई करना चाहते हैं। इस ब्रांड की एक खासियत है, ये न्यूज में बने रहना जानता है। अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और उनके प्राइजेस की वजह से ये न्यूज में हमेशा छाया ही रहता है। जैसे रिसेंटली में ही लॉन्च किए एडिडास के साथ कोलैबोरेशन वाला अम्ब्रेला, जो कि बारिश में पानी ना रोक पाए, रग्ड स्नीकर्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो बस गुची की ब्रांड लॉयल्टी से ही चलते हैं। दुनिया में नियरली 500 रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन सेल्स के चलते गुची ने लास्ट ईयर $6.5 बिलियन का सेल किया है। 1988 में इनकी जीन्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हुई, जिसकी कीमत $3,134 थी, जो एक्चुअली में गुची की टैगलाइन बताती है कि क्वालिटी इज रिमेम्बर्ड लॉन्ग आफ्टर प्राइस इज फॉरगॉटन। और यही वजह है कि सारे सेलिब्रिटीज को गुची हद से ज्यादा पसंद है। और तो और एक फेमस रैपर ने ये तक कह दिया कि उनकी लास्ट विश है गुची के स्टोर में बरी होना। गुची की कहानी 1921 में स्टार्ट हुई थी, जब गुची को गुची ने इसकी नींव रखी थी। गुची को गुची ने 10 साल तक होटल और एक लग्जरी मैन्युफैक्चरर के यहाँ काम किया, जहाँ उन्हें एलीट क्लास और उनके फैशन और उनकी पसंद को समझा, और बाद में उनकी डिजाइन्स को अपनी यूएसपी बना लिया। गुची ने सबसे पहले हॉर्समैन के लेदर बैग्स बेचना शुरू किए थे, पर हॉर्सेस का ट्रेंड जल्द ही खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने अपना फोकस लेदर बैग से शिफ्ट करके लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगा दिया और बनाने लगे एलीट क्लास के लिए लग्जरी प्रोडक्ट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद गुची ने पिग स्किन बैग लॉन्च करा, जो इनके फैशन हाउस का आज तक का सिग्नेचर मटेरियल है। एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए और दुनिया भर में गुची के नए स्टोर्स खुलने लगे और अल्टीमेटली गुची एक्सपैंड करने लगी। गुची के फाउंडर की डेथ के बाद उनके बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। बाद में फैमिली इश्यूज की वजह से सेल्स कम होने लगी, यहाँ तक कि वो बैंक्रप्ट होने वाले थे, बट कंपनी को रिवाइव करने के लिए एक आउटसाइड हेल्प की जरूरत थी। इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट कॉर्प नाम की एक होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू शेयर्स खरीदे और अल्टीमेटली कंट्रोल ले लिया। गुची को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए 2 key players ने एंटर किया, टॉम फोर्ड और डोमिनिको। इन दोनों ने कंपनी की कमान संभाली और कंपनी का ब्रांड अपने अंडर कर लिया। कंपनी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने एक मेजर चेंज करा, अपना टारगेट मार्केट स्पेसिफिकली मिलेनियल से हटा के यंग फैशन एंथुजियास्ट पे करा। आज गुची का 85% रेवेन्यू 18 से 35 साल के लोगों में से आता है। सीजन बाय सीजन फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हुए गुची ने अपनी ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर बेस को बनाए रखा। गुची की सक्सेस के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि उनकी मार्केट रिसर्च। किसी भी मार्केट में घुसने से पहले उन्हें पता होता है कि उस मार्केट में उनकी ब्रांड फ्लरिश करेगी या नहीं। अमेरिकन मार्केट में एंटर होना गुची के लिए गोल्डन टाइम पीरियड था। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ब्रांड को पॉपुलराइज कर रहे थे, जिससे ब्रांड को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। गुची फैशन वर्ल्ड के जरिए स्टीरियोटाइप्स और बाउंड्रीज ब्रेक करने में माहिर है। वो अपने नए कलेक्शन और एड कैंपेन्स में एक हिडन मैसेज हमेशा रखता है, जिसकी वजह से वो खुद में एक आइकन बन चुका है। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, गुची अपने कलेक्शंस में सारे कल्चर्स और बाउंड्रीज को एक साथ लेके चलता है। ऐसे कलेक्शन लॉन्च करता है जो सब टाइप के कस्टमर्स को इंक्लूड कर रहा हो और जिसे लोग खरीदना भी पसंद करें। 100 सालों से कंपनी फैशन इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाए बैठी है, आज तक अपने रूट्स और कल्चर्स को नहीं भूली। गुची का मानना है कि वो अपने फ्यूचर में भी अपने इसी ब्यूटीफुल ट्रेडिशन को कैरी करती रहेगी और ऐसे ही डिमांडेड फैशन हाउस और यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे, जो मार्केट में हमेशा बने रहे और एक अपना सिक्का जमाए बैठे रहे। सो डू यू रियली थिंक गुची हैज मेड इट्स मार्क इन द फैशन इंडस्ट्री? इफ यस, कमेंट इन द सेक्शन बिलो।